हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थ्री टेक सब कुछ। दोस्तों, मोटोरोला अपनी एज सीरीज के दो नए स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है, मोटो एज 20 एंड मोटो एज 20 फ्यूजन, जो कि मोटोरोला ने कंफर्म कर दिया है कि ये स्मार्टफोन 17 अगस्त को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि ये सीरीज ग्लोबल मार्केट में पहले ही लॉन्च कर दी गई है, जिसमें कि हमें 3 स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, बट इंडिया में सिर्फ हमें 2 ही स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटो एज 20 फ्यूजन के बारे में, इस स्मार्टफोन में क्या कुछ फीचर देखने को मिलेंगे, इसकी प्राइस क्या होने वाली है इंडिया में, सब कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो को तक जरूर से देखें, और वीडियो अच्छे लगे तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। आज का वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं सिर्फ 50 लाइक्स का, आई होप कि यहां पर आप कर दोगे। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बिल्ड एंड डिजाइन की। तो इस स्मार्टफोन के बैक में हमें प्लास्टिक बैक मिलेगा, प्लास्टिक का फ्रेम दिया जाएगा, बैक साइड में हमें स्क्वायर शेप में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा और एक एलईडी फ्लैश दी जाएगी। सेंटर में इसमें मोटो की ब्रांडिंग मिल जाती है। वहीं इसके फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पर इसके फ्रंट में सेंटर पंचोल डिजाइन देखने को मिलेगा, और ये स्मार्टफोन 2 कलर वेरियंट में लॉन्च किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें ग्रे और ग्रीन 2 कलर देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल डिजाइन इस फोन का काफी अच्छा देखने को मिलेगा, साथ में बिल्ड क्वालिटी भी हमें डिसेंट टाइप की देखने को मिल जाती है। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के फ्रंट की, तो इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच का एक OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 10 बिट का डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और 180 टच सैंपलिंग रेट इसमें दिया जाएगा, जो कि HDR10 और वाइडबैंड L1 को भी सपोर्ट करेगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहां पर काफी कमाल की मिलने वाली है, जिसमें कि आप गेमिंग करेंगे, डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे, या फिर आप वीडियो वगैरह वॉच करते हैं तो आपको काफी ज्यादा इस डिस्प्ले में मजा आएगा। नाउ बात कर लेते हैं अब इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की। तो इस स्मार्टफोन में हमें MediaTek की तरफ से आने वाला Dimensity 800 चिपसेट देखने को मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर 800 चिपसेट मिलेगा, 800U नहीं मिलने वाला। 800U थोड़ा सा पावरफुल चिपसेट है अगर कंपेयर करें 800 से, तो यहां पर इन दोनों चिपसेट में एंटू स्कोर को देखा जाए तो 800U थोड़ा सा ऊपर निकलकर आ जाता है, जबकि 800 चिपसेट भी काफी क्लोज है। वहीं Geekbench मल्टी स्कोर में Dimensity 800 13% बेटर परफॉर्म करता है। अगर स्पेक्स की बात की जाए तो Dimensity 800 चिपसेट 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक है और माली G57 इसमें GPU दिया गया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में Dimensity 800 भी कम नहीं है, यहां पर 5G का सपोर्ट मिल जाता है। मल्टीटास्किंग गेमिंग वगैरह अगर आप इस स्मार्टफोन पे करते हैं तो बड़े इजीली कर सकते हैं, सारे गेम इस पर खेल पाएंगे। साथ में ये चिपसेट 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो यहाँ पर हीटिंग इशू भी कम देखने को मिलते हैं, बैटरी ड्रेन भी कम देखने को आपको मिलेंगे। बात करें इस स्मार्टफोन के रैम और रोम की, तो इस स्मार्टफोन में LPDDR4X रैम देखने को मिलेगी, साथ में UFS 2.2 की स्टोरेज दी जाएगी, जिसमें कि हमें 8+128GB सिंगल वेरियंट देखने को मिलेगा। यही वेरियंट हमें ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिला था, बट शायद इंडिया में एक और वेरियंट हमें 6GB का भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन, जैसे कि आपको पता होगा कि मोटोरोला के सभी फोन हमें स्टॉक एंड्रॉइड पर मिलते हैं, तो ये स्मार्टफोन भी हमें एंड्रॉइड 11 पर देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी एड्स वगैरह, ब्लोटवेयर एप्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती, क्लीन एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। नाउ बात कर लेते हैं अब इस स्मार्टफोन के कैमरा की। तो इस स्मार्टफोन में हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि प्राइमरी लेंस 108 MP का होने वाला है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड दिया जाएगा, 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलेगा। तो इसका रियर कैमरा हमें काफी अच्छा देखने को मिलेगा, जिससे कि आप 4K वीडियो, 1080p वीडियो, स्लो मोशन वीडियो वगैरह निकाल पाएंगे। वहीं इसके फ्रंट में 32 MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा, तो इससे भी आप 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा भी इस स्मार्टफोन में काफी अच्छा देखने को मिलेगा। नाउ बात कर लेते हैं अब इस स्मार्टफोन के बैटरी की। तो इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसको कि आप 30W के फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैटरी और चार्जिंग स्पीड दोनों ही स्टैंडर्ड साइज की देखने को मिलेगी। इसके अलावा फोन में USB Type-C, 3.5mm हेडफोन जैक, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक जैसे फीचर मिल जाएंगे, और यहाँ पर शायद से इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट ही दिया जाएगा। यहाँ पर आप एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं या 2 सिम ही लगा पाएंगे। और इस स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिंगल बॉटम फायर स्पीकर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस एंड लॉन्च की, तो मोटोरोला की तरफ से ये कंफर्म हो गया है कि ये स्मार्टफोन 17 अगस्त को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अगर इस स्मार्टफोन के प्राइस की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन यूरोप में €350 में लॉन्च किया गया है। तो इसको अगर कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में तो यहाँ पर ₹30,600 के करीब बनकर आता है। अगर पुराने कुछ रिकॉर्ड को देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में जो रेट मिलते हैं फोन के, वो इंडिया में काफी ज्यादा कम होते हैं। तो यहाँ पर इस स्मार्टफोन की प्राइस 20,000 के आसपास होनी चाहिए। बट वहीं जो ग्लोबल मार्केट में फोन लॉन्च किया गया था, उसमें हमें Dimensity 720 चिपसेट देखने को मिलता है, जबकि इंडिया में जो फोन लॉन्च किया जाएगा उसमें हमें Dimensity 800 चिपसेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर प्राइस भी थोड़ी सी डिफरेंट देखने को हमें मिल सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन की प्राइस 20,000 से 25,000 के बीच में रखी जा सकती है। बाकी Dimensity 800U वाले इस टाइम अगर हम फोन देखें तो Realme X7 5G हमें देखने को मिल जाता है, जो कि 20,000 की प्राइस में देखने को मिलता है। Realme Narzo 30 Pro देखने को मिल जाता है, जो कि 16,000 की प्राइस में देखने को मिलेगा। तो दूसरे स्मार्ट
स्मार्टफोन को कंपेयर किया जाए तो इस स्मार्टफोन की प्राइस अगर कंपनी 20,000 से 22,000 के बीच में रखती है तो काफी कमाल की बात हो जाती है। ये स्मार्टफोन काफी तबाही मचा देगा। बाकी आपकी क्या है राय, अगर ये स्मार्टफोन 20,000 से 22,000 की प्राइस में लॉन्च किया जाता है तो क्या आप इस स्मार्टफोन को लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।